हेलो गाइस, मेरा नाम है रे और आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल रे। फ्रेंड्स, आज के टाइम पे जहाँ मैक्सिमम पब्लिक गूगल वेब ब्राउज़र पे शिफ्ट हो रही है, वहीं आपको ये भी मालूम रहेगा कि गूगल वेब ब्राउज़र जो है वो हमारे सभी एक्टिविटीज़ को फॉलो करता है, हमारे एक्टिविटीज़ को कैच करता है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप गूगल वेब ब्राउज़र से हट के आप डकडकगो वेब ब्राउज़र पे कैसे जा सकते हैं बिना डाउनलोड किए। मैं एज अ एक्सटेंशन यूज़ करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल ब्राउज़र पे आ जाने का है और यहाँ पे आपको डकडकगो का जो साइट है वो आपको ओपन कर लेने का। यहाँ पे डकडकगो.com रहेगा, तो आपको उसको ओपन कर लेना है। ओपन करते आप वो डकडकगो के साइट पर आ जाओगे। तो अगर आप देखोगे तो नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा एड डकडकगो टू क्रोम। इसको ऐसा मतलब करते ही आपको एक अपने ऑफिशियल साइट पे लेके चला जाएगा क्रोम वेब स्टोर पे। और यहाँ पे आते ही आपको उसका एक्सटेंशन ऐड करने के लिए शो करेगा। आप यहाँ पे इसका प्राइवेसी देख सकते हैं। तो आप जैसे ऐड टू क्रोम करोगे तो यहाँ पे आपको ऐड एक्सटेंशन का लिख के आ जाएगा। ऐड एक्सटेंशन क्लिक करते ही ये ऐड करना चालू हो जाएगा, ऐड करना आपके क्रोम वेब ब्राउज़र पे वो चालू कर देगा ऐड करना डकडकगो को। तो डकडकगो ऐड हो जाएगा आपके वेब ब्राउज़र पे। तो नॉर्मली आप देख सकते हैं कि ये आपको प्राइवेट सर्च दे रहा है, ट्रैकर ब्लॉकिंग दे रहा है, साइट इंक्रिप्शन दे रहा है। मतलब गूगल से काफ़ी अच्छा है अपना ये डकडकगो। आप देख सकते हैं, आप कोई भी नया टैब ओपन करेंगे ना तो अब आपको गूगल का कोई टैब नहीं दिखेगा, आपको डकडकगो दिखेगा। डकडकगो मतलब एक प्राइवेसी एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग मतलब मैक्सिमम पब्लिक जहाँ गूगल की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो सबको मालूम है कि भाई हाँ गूगल हमें ट्रैक करता है, तो इससे अच्छा है कि हम डकडकगो को यूज़ कर सकते हैं। डकडकगो ऐसा प्राइवेसी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं, आप कोई भी बिंदास कुछ भी सर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप आगे जाके मतलब कुछ भी सर्च कर सकते हो और कोई भी नया टैब आपका आप कोई भी टैब ओपन करोगे ना तो गूगल का टैब नहीं हो पाएगा, डकडकगो का टैब ओपन होएगा। और दूसरी बात क्या है कि आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपको डकडकगो नहीं चाहिए तो आपको इसको रिमूव कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन पे क्लिक करने का, थ्री डॉट पे क्लिक करने का, रिमूव फ्रॉम द क्रोम करने का। तो रिमूव करते हुए डकडकगो रिमूव हो जाएगा। मुझे अभी कोई रिमूव नहीं करने का, तो इसके लिए मैं डकडकगो को रिमूव नहीं करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, मैं उस पर आपको वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक करके जाना।